समझता है तो हृदय की सर्वोच्च भावना होती है, इसको कहीं सीखा नहीं जा सकता। हाँ, जितना हृदय राज्य के प्रेम में डूबता जाएगा, पहले तो है कि ज्ञान ही मांग देता है विश्वास, विश्वास का परिपक्व रूप, विश्वास की पराकाष्ठा ही समर्पण, जिसमें हम अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। कोई चाहे कि हम राज्य को समर्पण कर दें और एक दिन में समर्पण आ जाए तो ये संभव। विश्वास के बाद विरह में जब हृदय तड़पता है, हृदय के विकार दूर होते हैं, तृष्णाएं होती हैं, जब हृदय निर्मल हो जाता है तो अंदर से विवेक जागृत होता है कि नहीं, ये संसार एक स्वप्न मात्र है, संसार से हमें कोई आशा नहीं करनी है, हमें अपना हृदय राज्य को देना है। हर सुंदर साथ अपना दिल राज्य को देना चाहता है, लेकिन वो विवश है। मैंने कहीं परिवार का हो, संसार का हो, कृष्णाओं का हो, उसको इतना व्यथित बांधे रहता है कि ऊपर से तो सब कहेंगे कि हम अपना हृदय राज्य को देना चाहते हैं, लेकिन ये संत माया देने नहीं। इसलिए आप इंजीनियरिंग पढ़ करके इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया इस दुनिया में नहीं है जो समर्पण की भाषा सीखी है। केवल एक ही सहारा है, हम विशुद्ध भाव से राज्य की चितवनी किया करें। राज्य की जब चितवनी करते जाएंगे, हमारे हृदय में निर्मलता आती जाएगी, तो यह निर्मलता ही हमें समर्पण के लिए विवश करेगी, क्योंकि प्रेम का मार्ग समर्पण के लिए परिपूर्ण। प्रेम कहता है कि तुम अपने अस्तित्व को मिटा दो। ये भावना कब आएगी? जब हम राज्य से प्रेम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए एक ही तरीका है चितवनी। सभी औषधि रोगों की औषधि एक चितवनी है। चितवनी से हृदय में युगल सर्प की शोभा बसती है, चितवनी में माया से दूर होती है, चितवनी से युगल सर्प का साक्षात्कार होता है, चितवनी से मार्ग का द्वार खुलता है, चितवनी से माया के विकारों को दूर करने का एक सरल साधन हम पा सकते हैं। इसलिए यदि हम इस समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हमें आंख बंद कर चितवनी करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम की सुगंध है, विरह का के रस में डूबे बिना कोई अपने को न तो निर्मल कर पाएगा न पूर्ण रूप से समर्पित कर पाएगा। इसलिए क्योंकि प्रेम के लिए क्या कार्य है, बचने का मस कार्य रखिए नहीं रजमान, जो भाई सर्वे जीते तहरे के लिए प्रेम। यदि प्रेम के पात्र के लिए निर्विकारता की शर्त है तो समर्पण कौन करेगा? हो सकता है विकारों में फंसा हुआ व्यक्ति भी कभी समर्पण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक बार उसे अपने समर्पण कर दिया था, श्री जी आप कह रहे हैं तो एक महीने के लिए मैं नहीं करूँ। प्रेम तो सर्वोच्च मंदिर है, लेकिन ये भाव भी स्वयं को मिटाने का भाव भी हृदय की एक पवित्र पुकार है। इसलिए सब सुंदर साथ को चाहिए कि आप उनका उसका भाव से चित्रणी करें राज्य का प्रेम पाने के लिए, और हृदय में यह संकल्प करते रहें कि राज्य आप मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं अपना हृदय आपको दे सकूं, क्योंकि मेरा तो अपना हृदय है ही नहीं, मेरा हृदय भी आपका ही है। इसलिए हमारे जीव को इस निर्मलता के स्तर पर ला दीजिए ताकि हम आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो सकें। देखिए, याद कई तरह से होता है, मन से होता है, वाणी से होता है, जीव भाव से होता है और आत्मभाव से होता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्तर है। याद की प्रवृत्ति जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ही उचित होती है। यदि हम शोर मचाकर राज समाधि करते रहेंगे तो संसार में भगत जी तो कहलाएंगे, लेकिन हमारे अंदर अध्यात्म का सच्चा रस नहीं। दूसरा है मन के द्वारा, हम मन में राज्य के भावों को याद कर उनके भावों में डूबे रहे, इसमें यह भी याद करना होता है। चितवनी में बैठते हैं, तारतम का जो हम जप करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि तारतम में 6 चौपाइयां और उसमें ज्ञान की भी बात है। इसलिए जप का उद्देश्य क्या होता है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। जप से राज्य के दर्शन नहीं होते, जप का भाव क्या क्या आ गया योग दर्शन में, तत् जपा तदर्थ भावना, अर्थ की भावना से उसका जप। हम चितवनी में जब बैठते हैं तो एक या दो बार जप करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि उसके पहले हम संसार के कई कामों में उलझे रहते हैं, कई बातें हमारे मन में घूम रही होती हैं,
सीधे चितवनी लगाना सबके लिए संभव नहीं, इसलिए पहले तालगुण का जप किया। मन एकाग्र होने लगता है राज्य की तरफ। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है हमारा जप छोटा होता है। जैसे वेद के अनुयायी क्या करते हैं, ओम का जप करते हैं, पहले गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद ओम के जप पर आ जाते हैं, क्योंकि ओम छोटा शब्द है। उसी प्रकार एक या दो बार तालगुण का जप करने के पश्चात हमें कि ऊपर आ जाना चाहिए ताकि भावात्मक हृदय से उतार निकल जाए। यदि चितवनी में हमारी बुद्धि सक्रिय हो गई, मन सक्रिय हो गया, तो कामता में बहुत बड़ी बाधा होती है। इसलिए जप जो है शुरू में चितवनी में सहायक है, किंतु यदि इसी को ज्यादा हम प्राथमिकता देंगे तो ये चितवनी बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। क्योंकि चितवनी किसको कहते हैं, जिससे मन बुद्धि कोई कार्य न करे और हमारी आत्मा सच्चा देखे, वो चितवनी। यदि हम जब जब तक चल रहा है तब तक वो चितवनी नहीं है, तो चितवनी में डूबने की एक प्रारंभिक कक्षा है, जिससे होकर हमें गुजरना होता है, मन को संसार से रोककर राज्य के चरणों में लगाना होता है। इसलिए जब का सहारा लिया जाता है, इसको अंतिम उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। हाँ, तारतम का जब दो बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें चौपाइयों के शब्द आते हैं, ज्ञान की बातें आने लगती है। प्रेम के सरोवर में प्रवेश करने से पहले अपनी बुद्धि का दरवाजा बंद कर देना होता है। जब तक हम चौपाइयां जप करते रहेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए हम नाम शब्द तो छोटा होता है, धीरे धीरे यदि ऐसा हो जाए कि जीभ भी नहीं ले, होठ नहीं ले, हृदय से आवाज दे। जरूरी नहीं है कि 20 बार जप करें, 5 बार कीजिए, लेकिन ऐसा लगे कि आपका हृदय पुकार रहा है। जैसे किसी बेहोश व्यक्ति को देखे जब कोई तकलीफ होती है तो उसके हृदय से आवाज निकलती है, उसके होठ नहीं हिल पाते हैं और वो पुकार सुन ली जाती है। इसी तरह से हम जब हमारा जब धीरे धीरे हो, हृदय से हो, होठ और जीभ को हिलाए भी ना हो, उसके पश्चात हमें एकाग्र मन से हृदय की आंखों से राज्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें हृदय को भी हटा दीजिए। अब प्रेम में डूबे जब जाएंगे तो बिना और प्रेम में डूबने के पश्चात आपकी अंतर चक्षु ही देखा करेंगे, उसमें मन बुद्धि का प्रवेश। इसलिए हमें मन को संसार से अलग करने के लिए, तो मन को बुद्धि को सुसुप्ति अवस्था में करने के लिए शुरू में प्रार्थना की आवश्यकता है, बाद में और अधिक से अधिक दो बार जब करने के बाद, जैसे मैंने पहले एक दो बार कह दिया, केवल भावात्मक जप में चल गया, क्योंकि ज्ञान मार्ग दिखाएगा, प्राप्ति से इसका संबंध नहीं है। ज्ञान जो है उंगली करके कह देगा कि देखो ये फल है, तोड़ने के लिए तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। केवल कहते रहे किसी को नहीं। देखिए, परम नाम से बात चाहे काल माया हो या योग माया, जीव का होना आवश्यक होता है, क्योंकि श्रोता स्वयं कार्य को नहीं कर सकती, वो दृष्टा है, जीव के ऊपर बैठे बिल्कुल होता है। इसलिए जीव जब तक ये जागने लीला चल रही है, परमात्मा हमेशा जीव के साथ जुड़ी रहती है। हाँ, जब वो एक तन को धारण करते हैं तो उस तन में रहते हुए जागृत नहीं हो पाते हैं, दूसरे तन में उसे बैठना होता है, तो उस जीव को छोड़कर दूसरे जीव पर प्रवेश करने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए वो अलग रह सकते हैं, अन्यथा जागृत होने के बाद आत्मा जीव को कभी भी नहीं छोड़ेगी, परम धाम पहुंचने से पहले। इस वाणी में सीधे राज्य ने कह दिया कि जो जिन की वे जिन जीव जीवे सम किया ताको करुण अनिलुभम रंगे रमारू वासना वासना सब, जो कोई भी जीव की शरण में आ जाए, चाहे ब्रह्म सृष्टि का जीव उसको ग्रहण किया हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि का जीव उसको ग्रहण किया हो, या कोरा सिकोरा जीव भी हो, राज्य से सच्चा प्रेम होता है तो भी राज्य उसको छोड़ेगा नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि ने जिस जीव को आधार लेकर माया का खेल दिखाया, जागृत दिखाया, तो महाप्रलय तक राज्य उसको अपने साथ ही रखेंगे, अपने चरणों की छाया में रखेंगे, आत्मा के साथ जीव भी घुमट जीव में ही रहेगा, और जब खेल खत्म होगा तो जीव सत्सर्ग के पहले वेश में चला जाएगा, अपना आत्मा अपने पर आत्मा चलेगा।
यदि पहले लंका में कुबेर का शासन था, कुबेर गद्दी पर बैठे थे, उनको हटाकर रावण गद्दी पर बैठ गया, तो लंका का या कुबेर उस गद्दी का तो दोष नहीं, दोष उस व्यक्तित्व का था जो आश्रय प्रभु। इसी तरह से दोष धार्मिक स्थानों का नहीं है। जब धार्मिक स्थान में वे लोग प्रवेश कर जाएंगे जो धर्म से कुछ दूर हैं, लेकिन धर्म का लिबास पहन लेते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं या उस गद्दी के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो उनकी मानसिकता तो वही रहती है। दीवारें कुछ नहीं कर सकती। सच बात यह है कि मंदिर तो हृदय का मंदिर होता है, और जो धार्मिक स्थान है वो तो जनता को इकट्ठा करके सत्य ज्ञान का प्रकाश करने के लिए होता है। तो जब नेतृत्व गलत दिशा में चला जाता है तो वहां राजनीति पनपे हुए। एक ही लंका है, उस पर कभी कुबेर का शासन रहता है जो देवताओं में गिने जाते हैं, उसके बाद राक्षसों के राजा रावण का शासन आता है, सारे विश्व में त्राही त्राही मच जाती है। तो इसमें जो धार्मिक व्यक्ति है वो तो पीछे गए, इसलिए सब कुछ नेतृत्व पर होता है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि किसी स्थान में जो कि व्यक्तित्व है धर्म के लक्षणों को जानता है और यह बात जानता है कि सत्येन उत्तमता हो, ये सारी पृथ्वी सत्य से टिकी है, सत्य में जयते नानिकम, सत्य ने पंखा दिखो दे, सत्य की विजय होती है झूठ की नहीं, और सत्य से ही मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। सत्य सारी पृथ्वी को धारण कर रहा है, सत्य ही परमात्मा है। यदि हम ये मानते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि को चला रहा है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि सत्य ही इस सृष्टि को चला रहा है। परमात्मा और सत्य दो नहीं। मनुष्य क्षणिक लाभ के लिए झूठ का सहारा ले लेता है, बिजनेस में, सर्विस में, कई मामलों में वो सोचता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वो खोता ही। सत्य का आचरण करने में कुछ समय के लिए कष्ट होता है, लेकिन अंतोगत विजय उसकी होती है। चाहे युधिष्ठिर हो, ये हरिश्चंद्र हो, सबने सत्य के लिए कष्ट सहा है, लेकिन आज उनको दुनिया याद करती है, झूठ बोलने वाले को दुनिया को नहीं मिला। हमें धर्म, सत्य ही धर्म है, ऐसे धर्म के 10 लक्षणों में सत्य आता है, लेकिन जो धर्म का मूल है वो सत्य है। और जो व्यक्ति सत्य को जानता है, धर्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, सत्य को, धर्म को और परमात्मा को, तीनों को कभी भी अलग नहीं कर दिया जा सकता। हाँ, परमात्मा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, धर्म उसका फल है, परमात्मा रूपी वृक्ष का फल है धर्म, और उस वृक्ष का जो छिलका है, रस है, वो है सत्य। सत्य में ही धर्म स्थित है और धर्म में ही सत्य स्थित है। परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं, परमात्मा से अपने को जोड़ना चाहते हैं, सांचारी साहेब सांच सुपाइए सांच को सांच, ये बात हमें कभी भी याद भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट हों। अब देखिए हरिश्चंद्र कह देते हैं विश्वामित्र को कि नहीं, मैंने राज्य मैंने सपने में दिया है, मैं इस समय अपने को क्यों बेचूं? तो वो राजा पर बैठे रहते, लेकिन धर्म की मर्यादा नष्ट होती। पांचों पांडव यदि चाहते तो धर्म की मर्यादा तोड़ के कह देते दुर्योधन से कि हम 12 वर्ष वनवास के लिए नहीं जाएंगे। राम भी कह देते कि नहीं, मैं 14 वर्षों के लिए वन में क्यों जाऊंगा? लेकिन इन्होंने धर्म की मर्यादा के लिए, सत्य के लिए कष्ट झेला, वनों में भटके, तरह तरह की पीड़ाओं को झेला, लेकिन संसार आज इनका नाम लेते ही नतमस्तक है। झूठ के ऊपर जो महल खड़ा होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। झूठ के ऊपर बनाया हुआ महल उस बालू की दीवार का होता है जो हवा के एक झोंके से कभी भी गिर सकता है। इसलिए भर्तृहरि के इस कथन को याद रखना चाहिए कि अद्यैव मरणमस्ति युगान्तरेव न्यायात् प्रजातो जीवन्ति। मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद, न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से कभी भी पीछा नहीं हटना चाहिए। एक बार अभी कुछ दिन पहले मैंने समाचार देखते समय ये सम्राट अशोक के सीरियल का एक डायलॉग सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अशोक के पास हेलना कहती है कि यदि तुम झूठ बोलते हो तो मैं तुमको मरने से बचाऊंगा। अशोक क्या कहता है, झूठ बोलकर जीवित रहने से अच्छा है कि सत्य बोलकर तुम मर जाऊंगा। और सब सारी सभा के बीच में आए यही हेलना आई थी और आपको कह रही थी कि अशोक तुम झूठ बोल जाओगे तो मैं तुमको बचा लूंगी, तुमको झूठा साबित कर देता हूँ।
तो यह अशोक की सत्य पर जो दृढ़ता है उसको भारत का सम्राट बनने के लिए, इसलिए हमें इस आस्था में विश्वास करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अधर्म का मार्ग ना अपनाएं, असत्य का मार्ग ना अपनाएं, कष्टों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप सत्य की राह पर चलेंगे तो कष्ट अवश्य आएंगे, लेकिन कष्टों से घबरा जाएंगे तो सारी सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति यदि झूठा, कल्पना कीजिए यदि हर व्यक्ति झूठा हो जाए, पति पत्नी में झूठ की आदत पड़ जाए, दोनों एक दूसरे के प्रति संशय करने लगे, माता पिता पुत्र में संशय पैदा हो जाए, सब दोनों झूठ बोलने लगे, उस दिन क्या होगा सृष्टि? ये तो सृष्टि इसलिए चल रही है कि 75% लोग भले ही झूठ बोलने वाले हैं, 25% तो सत्य बोलने वाले हैं, इसलिए सृष्टि चल रही है। जिस दिन 99% 100% झूठे हो जाएंगे, उस दिन एक पल के लिए भी सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये कहना कि धार्मिक स्थानों में जो धार्मिक लोग होते हैं कष्ट पाते हैं, ये तो पाएंगे। देवता ज्यादा हारते हैं, राक्षस ज्यादा जीतते हैं, लेकिन अंत में देवताओं की विजय होती है। आप देखिए, रावण सीता को हार ले जाता है, फिर रावण का समूल नाश हो जाता है। दुर्योधन पांडवों को छंद से वनवास भेजता है, लेकिन दुर्योधन का समूल नाश होता है, पांडव ही विजय होते हैं। धार्मिक व्यक्ति को पहले कष्ट झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसको कष्ट में भी एक संतोष होता है। हम दूसरों के हाथ से रोटी छीन कर खाएंगे तो हमें संतोष नहीं होगा, भले ही हमारा पेट ज्यादा भर जाए। हम अपने हिस्से की रोटी दूसरे को खिलाकर कुछ कष्ट तो पाएंगे, लेकिन एक मन में संतोष होगा। इसलिए जब हम सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलते हैं, तो हमारे हृदय में जो शांति होती है वो शांति अरबों की दौलत से ऊपर होती। इसलिए कष्टों की चिंता किए बिना आंख मूंद कर धर्म का मार्ग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि हमें शाश्वत शांति चाहिए, शाश्वत प्रेम चाहिए, प्रीतम से मिलन चाहिए, तो सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और धार्मिक स्थानों पर राजनीति इसलिए होती है कि जिस स्थान से ज्ञान का प्रवाह बंद हो जाए, भक्ति की रसधारा मिट जाएगी, वो राजनीतिक अड्डा हो जाएगा। और उसके प्रमुख पर निर्भर करता है कि उस संस्था का प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होगा, संस्था के सारे क्रियाकलाप वैसे ही। इसलिए जिन जिन स्थानों पर ज्यादा राजनीति होती है, निश्चित है कि वहाँ का व्यक्तित्व या तो धर्म के अनुकूल नहीं है, या वो कमजोर व्यक्ति है जो असभ्य लोगों पर या राजनीति करने वालों पर अंकुश नहीं करता। इसलिए ये तो चलता रहा है, चलता रहेगा। हाँ, अधिक से अधिक जिन स्थानों में विद्वान लोग होंगे, ज्ञानी होंगे, भक्ति भाव में डूबे होंगे, वहां राजनीति कम होगी। लेकिन आजकल यही देखा जा रहा है, मंदिर एक नाच गान के तमाशे बन चुका है। सभी मंदिरों में अधिक से अधिक नाच गान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहां पर जो कार्यक्रम भी होते हैं तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बस भजन के होते हैं, गाना बजाना ज्यादा होता है, नाच कूद ज्यादा होता है। तो वर्ष में एक बार ऐसा कार्यक्रम हो जाने से हमारी आत्मा को क्या मिलता है? इसलिए मंदिर ज्ञान के केंद्र होने चाहिए, वहाँ ज्ञान का प्रवाह प्रतिदिन बहे, प्रतिदिन सभी ध्यान करें, वहाँ राजनीति भी कम हो जाएगी और मनुष्य दुखी भी होंगे। लेकिन जहाँ ये बंद होगा, जहाँ पैसा ज्यादा चढ़ेगा, तृष्णाओं का बाजार लगा रहेगा, प्रतिष्ठा की भूख बढ़ेगी, वहाँ राजनीति अवश्य। इसलिए इस राजनीति को रोकना है तो हमें ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा, भक्ति की धारा बहानी पड़ेगी। और एक बात याद रखनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ चाहते हैं। हम सबके अंदर परमधाम की आत्मा को देखें, युगल स्वरूप की छवि को देखें, तो हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे। साफ दिल सुहागने कहूं दुखावे के लिए, हम किसी को मन वाणी या कर्म से दुखी करने से पहले ये सोचें कि उसके हृदय को कष्ट हो रहा है तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। यदि हम सबके अंदर परम धाम की आत्मा को देखेंगे, जीव भाव से परे होकर, तो हम किसी को भी मन वाणी और कर्म से दुखी नहीं करना चाहेंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि हर जगह धर्म धर्म का ही राज होगा। अधर्म का राज इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों को शरीर की दृष्टि देखते हैं, संसार की दृष्टि देखते हैं, कुल खानदान की दृष्टि देखते हैं या धन की दृष्टि देखते हैं, तो हम दूसरों पर अत्याचार कर देते हैं। न हम अपने स्वरूप को देखते हैं, न दूसरों के स्वरूप को देखते हैं, हम संसार के रूप को देखते हैं। इसलिए दूसरों को कठोर वचन बोलने में हमें जरा भी झिझक नहीं होती, दूसरों को पीड़ा देने में हमें कुछ भी कष्ट नहीं होता। यहीं से एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जो चलती रहती है।
ऐसा है कि जैसे मिठाई है, मिठाई को जल्दी जल्दी आप निकल लिए तो स्वाद कम पता चलता है। तो जल्दी जल्दी हम काम कम करते हैं जब हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति है। तमोगुणी स्थिति होती है या सतोगुणी स्थिति होती है तो उसमें प्राय हम धीरे धीरे, तो जब सोने से पहले हम राज्य का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में सात्विक भावना हो जाती है, और सात्विक भावना होने से जो चितवनी का आनंद होता है, राज्य के प्रेम का आनंद होता है, वो अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। तो हमारी भावनाएं जब पूर्ण रूप से सात्विक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तो पूरी रात और राज्य के आनंद में बीत जाती है। इसके लिए हमारी भावना दूसरी, मान ली कि हम चितवनी पर उठे, अचानक घर के बाहर कोई कोलाहल हो गया, कोई ऐसी बात हो गई जिसमें हमें उत्तेजना हो गई, हमने चितवनी का सारा आनंद खो दिया, क्योंकि हमारे अंदर उग्रता आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, और वैसे ही चितवनी करके सीधे बिस्तर पर सो गए, तो पूरे जो चितवनी का आनंद है पूरी रात मिला करता है, क्योंकि हमारा हृदय उसमें पूर्णतः सात्विक भावना है। ये 1735 से 1775 तक श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष माने जाते हैं, लेकिन 1751 में श्री जी की अंतर्धान लीला हो जाती है, तो ये 16 वर्ष ही मीराज के तन से संपादित हो पाए, उसके बाद 6 साल जी के तन से 24 साल की होती है। ये श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष होने का तात्पर्य क्या है कि श्यामा जी के द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान का प्रकाश इस समय पूरी तरह से फैला। 1735 के पश्चात खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण होता है, और वाणी में कहा गया कि वर्ष 99 लोग रहे हुए, तो 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म होता है, अर्थात श्यामा जी का प्रकटन इस संसार में होता है। उसमें 99 साल जो होते हैं तो 1738 का समय आता है, 37 का समय आता है, 37 का समय लीजिए 1735। 1735 में श्री जी हरिद्वार में थे, उसके बाद उदयपुर में आते हैं, और उदयपुर के बाद आप देखेंगे कि जब आगे औरंगाबाद मंदसौर जाते हैं तो खुलासा की वाणी उतरती है, खिलवत की वाणी, अन्ना आते रहते हैं, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरती है, परम धाम की सारी किताबें उतरती हैं, सुंदर सा चितवनी का आनंद लेने लगते हैं। तो ये जो जागनी का प्रवाह चलता है 1735 के बाद से शुरू होता है पूरी तरह से, जिसमें श्यामा जी की आत्मा जागृत होती है, और हरिद्वार में विजय अपनंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में मानवती जी को जाना जाता है, दिल्ली में औरंगजेब को यह मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि आखिरी इमाम मोहम्मद बाबी साहब को जमाया गया। इसलिए 1735 से 1775 ये जो 40 साल है। स्त्री और पुरुष में आत्मिक रूप से कोई भी भेद नहीं है, लेकिन आवेश जो है मार्फत की अवस्था में जिस तन में राज्य का आवेश होता है उसको राज्य का ही स्वरूप मानते हैं। आप देखेंगे कि जोश जो है कितने तनों पर आ जाता है, ऐसे जो शाब्दिक साहित्य की दृष्टि से जोश और आवेश दो नहीं है, एक ही है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से दोनों अलग अलग। जैसे अरबी में जिसको हम जोश कहते हैं संस्कृत में उसको आवेश कहते हैं, या हिंदी में वाणी की भाषा है जैसे वन और जंगल साथ साथ ले आ जाएगा, प्रेम और इस प्रेम शब्द संस्कृत का है, इश्क शब्द अरबी का है, उसी तरह से अरबी और फारसी के कई शब्दों को एक साथ हिंदी के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे आशा और उम्मीद, उसी तरह से जोश और आवेश भी कहा गया है। लेकिन हमें अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है कि आवेश निज स्वरूप होता है। जब्राइल जोश धनी का खुलासा में कहा गया कि धनी का जोश जो है जब्राइल है, तो जब्राइल तो राज्य का यदि निज स्वरूप होता तो उसको मुंह मिलाने जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वाणी कहती है जित चढ़ने से क्या जब्राइल कहे मेरे पर जले, और वो जब्राइल की गणना अक्षर के 5 फरिश्तों में होती है, जब्राइल और सराफीम
दोनों का ठिकाना जो है सबसे रुपए इससे जब्राइल सबसे आगे जा ही नहीं सकता, वो सरोवर सागर में भी नहीं जा सकता। अस्त्राफील और क्यामत नमाज की टीका में इस तथ्य को अच्छी तरह से समझाया गया है कि जब्राइल की पहुंच रहा है। इसलिए मार्फत की जो अवस्था होती है, जिसे वाणी में कहा कि मारिया गया पढ़िया गया और गया जुदा, यही मैं खुद ही कर तो बाकी रहा, तो उस अवस्था में पहुंचने वो मार्फत की अवस्था है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत अधिक कठोर साधना की अवस्था, बड़े बड़े परमहंस भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच सके। जैसे मान लीजिए कि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी इस अवस्था में पहुंचे, वो मार्गवत की अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन अन्य कई ब्रह्मुनि हैं जो समाज में प्रचलित हैं, लेकिन वो उनको हम मार्गवत की अवस्था में नहीं पहुंचे। हकीकत की अवस्था में जो ब्रह्मुनि होते हैं वो परम धाम को देखते हैं, 25 पक्षों की शोभा में डूब जाते हैं, युगल स्वरूप की शोभा में डूब जाते हैं, लेकिन स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना, मारिया कहिया और कहिया हो चुका, दोनों किससे सबसे चूक ज्यादा क्या होती है कि थोड़ी सी उपलब्धि पर वो ज्यादा खुश हो जाते हैं, 10 को झिझोरा पीट पीट कर बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि बहनों में जो उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी होती है, वो तो जानती है मासिक धर्म की, उनमें ओजस का अभाव हो जाता है, पुरुष की प्रकृति इसकी उल्टी होती है। पुरुष अपने शरीर में ओजस तत्व को इकट्ठा करता है, जिसके कारण वो समाधि में लंबे समय तक रहता है। हाँ, यदि बहने जैसे आप देखेंगे बहनों को 45 साल के बाद भी चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन पुरुष जो योगी महात्मा होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, क्योंकि ध्यान के द्वारा उस अवस्था में वो पहुंच जाते हैं, उनके शरीर की प्रकृति विपरीत बन जाती है। इसलिए बहने हकीकत में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, यदि अपनी चंचलता को छोड़ दें तो हकीकत में पहुंचना सरल है। लेकिन मार्फत के लिए जितने त्याग की आवश्यकता है, जितनी साधना की आवश्यकता है, उसमें बहने प्राय पीछे रह जाती हैं। और अभी भी देखा जाए तो इस समय राज्य कहलाने वाले पुरुष कम है, सामाजिक कहलाने वाले बहने ज्यादा है, तो इन चीजों से बहनों को ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, उनको पहला अधिकार तो उन्हीं का होता है, वो अन्य भाव से राज्य को सरलता से रिझा सकती है, लेकिन हकीकत मार्फत में ज्यादा अंतर नहीं है। ये ना सोचे कि और मार्फत में जो वो अवस्था आती है उसके लिए समस्या तो होती है, इसमें कोई हीन भावना की बात नहीं है, ना ही कोई पक्षपात है, ये अपने प्रेम से कोई भी कभी भी अवस्था में पहुंच सकता है। बहनों को भी अधिकार है मार्फत में पहुंचने का, लेकिन जो उसकी शर्तें हैं उस शर्तों पर बहनों को खरा उतरना पड़ेगा, शरीर के मुंह से उठना पड़ेगा, चंचलता छोड़नी पड़ेगी, और जो अपनी प्राप्ति का अहंकार आ जाता है कि मैंने ये पा लिया है, उस अहंकार से बचना पड़ेगा। ये तीन कमियों को बहने दूर कर ले तुम्हारे को कर लो जाएगी। बटोरे हजार हाथों से लुटाओ, ये वेद में भी कहा गया। ज्ञान और प्रेम का मार्ग अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के प्राण है। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ज्ञान, इल्म का प्राण इसका है और इसके का प्राण इल्म। ज्ञान नहीं रहेगा, यदि परम धाम का ज्ञान नहीं रहेगा, हम चितवनी किसको करेंगे। यह जो परम धाम का ज्ञान आपको मिलेगा, ये सतवाणी मत के लेंगे, तो इसके ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करना, उसको सब सुंदर साथ पहुंचाना, यह हमारे नैतिक कर्तव्य। जितना बांटेंगे आप उतना ही बढ़ेगा, ये तो हमारा कर्तव्य हो गया। लेकिन यदि प्रेम के मार्ग में आप अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे तो क्या होगा, कई नुकसान। सबसे पहले नुकसान तो ये होगा कि आपके अंदर आम की दीवार खड़ी, आप कह करके बहुत खुश होंगे, जैसे आपको राज्य का अंक हो गया, आपने झुरूरा पीटना शुरू किया, जिससे कहेंगे वो, उसकी दो स्थिति होगी, या तो वो आपके ऊपर बहुत समर्पित हो जाएगा, आपकी सेवा करने लगा, आपको राज्य का स्वरूप मानने लगे, या उसके मन में भी रिश्ते पैदा हो जाएगा कि इनको होता है मुझे तो नहीं होता,
दूसरे आप अपने को बहुत बड़ा समझने लगेंगे कि मुझे तो ये प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति होगी, और तीनों स्थितियां आगे बढ़ने में बाधक। यदि आप अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, आपको अपनी उपलब्धियों का अहंकार होता है, इसका तात्पर्य कि आप आगे बढ़ने का प्रयास और नहीं करेंगे। अध्यात्म कहता है आपने जो कुछ पाया अपने अस्तित्व को मिटाए रखा, इसलिए जितने भी बड़े बड़े प्रयास होते हैं वो विनम्रता की मूर्ति होती है। जो महंत लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, देखिए जरा जरा से बात पर लड़ झगड़ देते हैं, क्योंकि अध्यात्म तक उनकी पहुंच नहीं होती है। परमहंसों को आप गाली दे दीजिए, हटकार लगा दीजिए, मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि वो जिस अवस्था में है उन पर कोई आरोप नहीं लगता। जैसे सोने के ऊपर पानी रखेंगे तो बाजार चिकने घड़े पर पानी थाम नहीं सकता, उसी तरह से वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनके संसार की प्रतिष्ठा या संसार की निंदा से कोई नहीं है। इसलिए जो हम जैसे मान लीजिए कि आपको राज्य का सपना आया तो आप सबको बताने लगे, जो जो सुनेगा आपसे प्रभावित हो जाएगा। आप राज्य ने आपके माध्यम से मान लीजिए कोई आड़ी का लीला करेगा, आपके पास सुंदर साथ की भीड़ इकट्ठी होने लगे, कई सुंदर साथ आपको राज्य का स्वरूप मान करके आपकी सेवा करने लगेंगे, आप तो उनकी सेवा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बेचारे सुंदर साथ नींद में है, वो आपको अपना चरण भी नहीं छुलाने देंगे, लेकिन आपके छुएंगे, आपकी सेवा करना चाहेंगे, तो आपकी उन्नति वहां रुक जाएगी। इसलिए राज्य ने बार बार मना किया है कि अहम भावना में आकर कभी किसी को अपनी उपलब्धि नहीं बतानी चाहिए कि मुझको ये होते हैं, मुझको ये होते हैं। मैंने अधिकतर सुंदर साहब को देखा है ऐसा करके बर्बादी के रास्ते पर। अध्यात्म में यदि आपको प्रतिदिन राज्य के दर्शन आते हैं तो कभी अहंकार पूर्वक किसी को आप संकेतों में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये आम का फल बहुत मीठा है, मीठा है, तो तीन स्थितियों में मैं कहूंगा, या तो मैंने आम को खा लिया, या छीन कर खाने वाले स्थिति में हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम बहुत मीठा है, मीठा है, तीन स्थितियों में कहूंगा, या तो मैं खा चुका हूँ, या खा रहा हूँ, या खाने वाला हूँ। तो ये जो भी महापुरुष होंगे संकेतों में कहेंगे कि राज्य की चिखानी करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी अपने ऊपर लेकर के नहीं कहना चाहिए कि मैं चिकनी करता हूँ, मेरे सामने राज्य आते हैं, प्रति मुझे दर्शन होता है, ऐसा करने से पतन होता है, क्योंकि तो करने वाले के अंदर स्वयं अहंकार होता है। अहंकार जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, प्रेम कहता है अपने अस्तित्व को जानता। इसलिए मामती जी ने कहा है जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नजर, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी प्रति राज्य आपसे आकर के बातें करें, आप दूसरों को मत कहा कीजिए कि मेरे पास मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, या मैं तो प्रतिदिन राज्य से बातें करता हूँ, तो ये अहंकार भरी बातें अध्यात्म वर्ती कर। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये होता है, मुझे ये होता है। जो सुंदर सद ऐसा कहते हैं उन बहुत बड़ी मैदानी कर रहे हैं। इसलिए सिंधी में बार बार मना किया गया है, क्योंकि सिंधी प्रेम की सरता का प्रभाव है, प्रेम भरे संवाद कैसे होते हैं ये सिंधी से सीखा जा सकता है। बिरह का रस क्या होता है, प्रेम का रस क्या होता है, ये सिंधी की वाणी से आता है। और मैंने अधिकतर सुंदर साथ को देखा है अहंकार के लोग कहते हैं उनको राज्य मिल गए, और वो अपने सामने इतना दिखाते हैं कि उस समय के बाद उनको माया में एक उबर हुआ दिखा देता है, क्योंकि एक माली एहसान नहीं करता है कि जो पौधा उसने लगाया है उसके आस पास घर बनते हैं। प्रेम के मार्ग पर अहंकार रूपी खरपतवार कभी नहीं उगने देना चाहिए, अपनी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं करना चाहिए। हम जितने भी नए हैं जो जो लीजिए गरीबी साथ में तो उनको फायदे करना पड़ता है। इसलिए यदि आपको राज्य दर्शन देते हैं तो ढिठोरा मत पीटिए, और वो अपनी उपलब्धि के कारण सुंदर साथ के बीच में पूज्य बनकर सेवा करवाने को भूल नहीं कीजिए। आप जितने विनम्र बनेंगे, सबके साथ सहभागी बनेंगे, राज्य आपको उतना ही उठा, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत देखने को मिल रहा है जिसको सुंदर साथ की थोड़ी सी उपलब्धि हो गई, कुछ सपना भी आ गया, वो दावा कर देता है कि मुझे राज्य का अनुभव हुआ है, वो अपने को कितनी कोई राज्य बन जाता है, कोई सामाजिक बन जाता है, उनके साथ एक मंडली चलती है जो उनको दूसरों को दबाव डालती है कि आप हमारी शरण में आओ। ऐसे ही एक सज्जन सरसावा आ गए,
उनको कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि विराट का भी ज्ञान नहीं था। और मेरे कमरे में आकर कहने लगे, गिराजन स्वामी मेरी शरण में आ जाओ, अपने कल्याण चाहते हो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि मैंने जिसकी शरण में जाना था मैं जा चुका हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर बार बार दबाव आने लगे कि अपना भला चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। मैंने कहा कि मुझे बहुत काम है, कृपया करके मुझे अपना काम करने दो। जिस व्यक्ति को भूल मिलावे की भी जानकारी नहीं, वो इतना अहंकार ले लेता है, इससे बड़ा पतन होता है। राज्य ने आपको जो धन दिया है उस धन का अहंकार न रखिए, उसको छिपा कर रखिए कि वो आपके प्रेम में कहीं बाधक न हो। प्रेम दूध में नींबू डाल देने पर जैसे दूध फट जाता है, वैसे प्रेम के मार्ग पर अहंकार आते हुए प्रेम धूमिल हो जाता है और प्रेम हटते ही राज्य भी आपके हृदय से। इसलिए अपनी उपलब्धि का ढोल पीटना कभी भी नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा अपने को विनम्र बनाए रखना चाहिए कि मैं सबको चाहता हूँ। जो वेद की शिक्षा है कि पतिव्रता धन का पालन होना चाहिए, ये ठीक है, 18 पुराण महाभारत काल के बाद से लिखे गए हैं, किंतु जो वेद की मान्यता सृष्टि के प्रारंभ से है और वो परंपरागत रूप से चलती आ रही है, इसलिए ये पुराण शब्द का प्रयोग किया गया कि पुरातन सत्य है कि हर स्त्री को पतिव्रता धन का पालन करना चाहिए और पति को भी पत्नी वर्ती धर्म का पालन करना चाहिए। तो लोक मानना के अनुसार जैसे देखिए वाणी में क्या कहा गया है, वाणी में जो कुछ उतरा है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, जैसे ग्रंथन में एक प्रकरण आता है, वेद पुराण शास्त्र उपजे भारत पर्व उठा दाद न मुझे तीन व्यास के पीछे उपजो भारत। इसमें कहा गया है कि वेद व्यास जी से ये वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, शास्त्रों और पुराणों की रचना वेद व्यास ने की, ये कथन श्रीमद् भागवत का। तो ये राज्य का कथन नहीं, तो वो प्रसंग जैसे बल्भाचार्य मत को वहां संबोधित करने के लिए जो दिया जा रहा है, तो भागवत के उन तत्वों को उद्धृत किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि श्रीराज उतारे वस्त्र पहने पिछौरी कमर पर, पर हम ये माने कि परम धाम में भी राज्य भोजन करते समय अपने वस्त्र उतार लेते हैं, ऐसा नहीं। जिस समय मेराज का तन जिस वातावरण में था उन्होंने देखा होगा कि भोजन करते समय जो राजा महाराजा अपने वस्त्र उतार लेते हैं ताकि जो ठंडक दे, उसी भाव जैसे उनके मन में भावना थी उस भावना के अनुसार परम धाम के देवों को पाते हैं। श्रृंगार भी सब वैसे ही है, उसी आधार पर उस समय जनमानस के अंदर जो धारणा प्रचलित थी भागवत का प्रचार था और भागवत का कथन था कि ये पुराण सब ये उतरे हैं वेद व्यास जी से, उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, ये सारी बातें भागवत के मूलतः सत्य हैं। तो ये हम नहीं कह सकते जो वाणी हमारी बेशक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ राज्य का कर्म, कल को कोई दूसरा प्रवाही हमारे पर प्रश्न खड़ा कर सकता है कि आपके राज्य को क्या पता नहीं था कि ये 18 पुराण वेद व्यास जी ने नहीं बनाया, क्योंकि कई प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा कि ये सभी पुराण व्यास की उपाधिधारी हिंदी विद्वानों ने बनाए, जैसे हरजे व्यास। तो हमें ये कहना होगा कि उस समय जनमानस में जो प्रचलित था, जैसे भोजन के बाद पान खाना या भोजन के दूसरे वस्त्र उतारना या वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना होना, उस समय के प्रसंगों के अनुसार जनमानस को समझाने के लिए ये चौपाइयों का उपयोग, जैसे जो श्रृंगार थे जो उतरे हैं आजकल वो प्राय श्रृंगार बहुत कम ही प्रचलित हैं, जैसे मोटे मोटे झांझरी घुंघरी काबी कोल्ला, ये आजकल इसका प्रचलन उतना नहीं है जितना कि आज से 50 साल पहले था या 300 साल पहले था। अब सबके नाम क्या है 22 शब्द है, तो 22 शब्द जो है केवल राजस्थान और गुजरात में चलता है, यूपी पंजाब में या
बिहार में ये सब तो भाई सब किसी भी मेला के आगे भाई सब नहीं जुड़ते। ये नहीं कह सकते कि परम धाम में केवल बाइयाँ ही रहती हैं, इंद्रावती बाइयाँ रहती हैं, सबके आगे बाई लगाना जरूरी है। मिहराज के जो मनस में जो भी बसा था, जो भाव व्यक्त थे, उन भाव के अनुसार जो बना तो रास ग्रंथ में जो ये बात कही गई कि वेद पुराण में कहा गया है, तो उस कहने का आशय यह है कि वेद की शिक्षा है और वेद की शिक्षा ये पुरातन काल से चल रहा है, इसलिए पुराण काल पुरातन होता है। वेद पुराण की शिक्षा में ऐसा कहा गया है, अर्थात वेद की जो मूल शिक्षा है वो परंपरागत रूप से करोड़ों वर्षों से चली आ रही है कि पत्नी को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, उसका पति तो भी उसका साथ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि विवाह के समय उसने वचन दिया होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, अन्यथा विवाह से पहले ही ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे किस से विवाह करना है। जैसे सीता को पूरा अधिकार था, सावित्री को अधिकार था, जबरन किसी भी कन्या का विवाह नहीं कराया जाता, लेकिन जब विवाह हो जाता था दोनों एक दूसरे को समर्पित हो जाते थे, तो दोनों अपने 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 धर्म का पालन करते थे, किसी का साथ नहीं छोड़ते थे, आजकल की तरह एक महीने में तलाक वाली परंपरा उसमें, इसलिए यह बात कही गई है। दूसरी बात यह है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खेल के खत्म होने के बाद अक्षर ब्रह्म क्या पुनः चांदनी चौक में से ही प्रणाम करेंगे, ये बात ठीक है। इस खेल के खत्म होने के पश्चात अक्षर ब्रह्म को अष्टपद की सारी लीला का बोध हो जाए और इस विषय में कहीं भी वाणी पर वाणी में तो नहीं लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परम धाम की सारी लीला हमारे मानवीय धरातल पर उतारा है क्योंकि वो शब्दातीत लीला है। जैसे मैं पिछली बार भी कहा था, सामान्यतः सुंदर साध के मन में ऐसा रहता है कि राजी और अक्षय ब्रह्म को लोग दो भाई की तरह मानते हैं और श्यामा जी को उनकी पत्नी की तरह मान लेते हैं, लक्ष्मी को उनकी पत्नी की तरह मान लेते हैं, लेकिन वाणी तो ये कहती है कि एक बल का बसबसा रहता था मेरे दिन, लक्ष्मी जी का गुजरान हो गया। हम अंतर की दृष्टि से देखें तो एक ही राज्य का दिल श्यामा जी है, वही सखियां है, वही अक्षर ब्रह्म है, वही मानस है। तो इस खेल के होने से पहले अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला का कोई भी जान नहीं, अब जान हो गया है। जब खेल खत्म होगा तो अक्षर ब्रह्म जाएंगे, राजी को प्रणाम करेंगे, लेकिन वो जानते रहेंगे कि हम और राजी दो नहीं हैं। अब दृष्टि में अंतर हो गया, जैसे मेहर का दरिया दिल में लिया तो ब्रह्मों के दिल में खेल देखने को क्या। पहले सखियां हकीकत को जानती थी, मार्फत को नहीं जानती, अब मार्फत को जान गई है कि हम और राजी दो नहीं है, दोनों एक ही है, तो प्रेम का रस दूसरा। लीला वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि अब अक्षर ब्रह्म कहेंगे कि मैं मूल मिलाव में आकर प्रणाम करूंगा। पहली बात तो यह है कि वहाँ प्रणाम इस दुनिया की तरह होता ही नहीं है कि हाथ जोड़ करके ये होता है, वहाँ दीदार ही प्रणाम है। अक्षर ब्रह्म अपने प्रेम और आनंद के मार्ग के स्वरूप को दीदार करके प्रेम की रसधारा अपने हृदय में ले लेते हैं, इसी के लिए हो जाते हैं। पहले अनजाने में लेते थे, अब जान बूझ करके लेंगे कि जो मूल मिलाव में बैठा है वो और हम दो नहीं है। मैं भी उन्हीं का अंग हूँ, श्यामा जी भी उन्हीं के हैं, सखियां भी उनके अंग हैं। अब ये बात सबको पता चल जाएगी। जैसे ये एक कुछ वर्ष पहले बिहार में एक वैज्ञानिक था वशिष्ठ नारायण सिंह, बहुत मेधावी था, अमेरिका उसके वजन के बराबर नोट देना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। किंतु एक गरीब पुलिस वाले का लड़का था, उसका दुर्भाग्य यह था और पिता तो इतने पढ़े थे नहीं, उन्होंने एक साधारण लड़की से उसका विवाह किया। जब अपने रिसर्च में लगा हुआ था, पत्नी अनपढ़ थी, झल्ला झल्ला कर लड़ने लगे कि तुम मेरे से बात नहीं करते, वो तो मेरे से विवाह क्यों किया। और एक वैज्ञानिक की दिनचर्या एक सामान्य व्यक्ति से अलग, उस पत्नी ने इतना टॉर्चर किया कि वो पागल हो गया। तो मेरे कहने का सही है, यदि उसकी पत्नी भी साइंटिस्ट होती तो दोनों एक साथ मिलकर रिसर्च करते और दोनों में बहुत गहरा प्रेम, क्योंकि दोनों के मनोभाव मिल जाते।
तो ये जो रक्त चल रहा था उसमें मारिफत को न जाने के कारण ही रक्त चल रहा था। और खेल का महाकारण ये है कि अपने हृदय की जो गुहितम बात है, जो मारिफत के स्वरूप की पहचान कराने के लिए ही ये खेल बनाया गया। इसलिए अक्षर ब्रह्म दीदार वैसे ही करेंगे, लीला चलती रहेगी, लेकिन पहले पहचान के बिना प्रणाम करते हुए अब पूरी तरह पहचान करके प्रणाम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पत्नी भी संतुष्ट हो तो पति का जीवन भी दूसरा ही आनंद से गुजरता है। पति डॉक्टर हो और पत्नी वकील हो तो भी मेल नहीं होता। दोनों डॉक्टर हैं, दोनों एक ही चीज की डॉक्टरी कर रहे हैं, तो गहरा संबंध होता है, सुख ज्यादा होता है। इसलिए अच्छा, लीला तो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन उसका रस ज्यादा होगा क्योंकि तो अच्छा ब्रह्म भी अष्ट पहर की लीलाओं का भी संसाधन करते रहेंगे। सस्वरूप में माँ की पूरी लीला प्रतिबिंबित होती रहेगी और अक्षर ब्रह्म श्यामा जी के नख से सिर तक का श्रृंगार देखते रहेंगे। पहले कभी देखे ही नहीं थे, अब श्यामा जी का श्रृंगार, शत्रु का श्रृंगार, जिब्राइल इस्राफील को भी प्राप्त हो गया है। इसलिए अब जो परम धाम की लीला होगी कुछ विशेष ही होती है क्योंकि मात्र प्रभाव से सबको पता चलता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को भी जो आनंद होगा कुछ विशेष। ये सभी पैगंबरों को आने की बात सुनने पाते नहीं रुक सकते। जो भी पैगंबर अभी तक हुए हैं कोई भी अखंड में गया नहीं, वो शून्य निराकार में सभी भटकते रहे। इसलिए आपने जहाँ ये प्रसंग शिव जी के चरणों में आने का पड़ा है, श्रृंगार में भी दिया है, कयामत थमा भी दिया है और सनंद में भी इसका कुछ प्रसंग है। तो जिसको पहचान हो जाएगी कि अक्षर अतीत आए हैं तो उनके चरणों में तो वो हमेशा नतमस्तक है। चरणों में आने का बातिनी अर्थ भी होता है, जो कि हमारे कमा के टीका में स्पष्ट कहा गया है कि ईसा मूसा दाऊद जितने पैगंबर हैं सभी के चरणों में आए। किरंतन में एक प्रश्न भी आया, साहेब तेरे साहेबी बारी कौन उठाओ तेरे सोए दे मेरे सिर साहेब। इसमें सभी कल पैगंबरों के आने की बात होती है, वह उनके स्वामित्व को दर्शाता है। वो ज्ञान दृष्टि से भी है और बातिनी रूप से हम ये समझे प्रत्येक पैगंबर अक्षर अतीत की पहचान करने के बाद नतमस्तक है। जो दूसरी बात है कि शुरू में जो चार भैंसते बन गए, तीसरी चौथी पांचवी और छठी, तीसरी में मोहम्मद साहब का जीव गया या जो मोहम्मद साहब पर जो कुर्बान हुए वो गए, चौथी में रास है, पांचवी में व्रत है और छठवी में जो उस समय के मनपुति भैंस जिसको कहा गया है, ये चार भैंस से तो अब होंगे। तीसरी चौथी पांचवी में जैसे जो मोहम्मद साहब पर ईमान लाएगा, तारतम ज्ञान के प्रकाश में मोहम्मद साहब पर भाव रखे उसको भी वो भैंस मिल जाएंगे। जो आज तारतम लेकर भी रास का ध्यान करेंगे कोरे से कोरे जीव, जो ब्रह्म सृष्टि और इसी सृष्टि तो अपने लक्ष्य पर गए। यदि कोई जीव है तारतम ले लेता है लेकिन उसको मुंह मिलाए पर विश्वास नहीं, उसको रास पर ही लगा रहा है, उसको रास की वस्तु मिलेगी। बीज चाहे तीन बीज दही, शून्य चाहे तीन शून्य, जाको दिन दिन बासो तासो मिले तुम्हें, मन चले सभी भक्ति करो। यदि कोई ब्रजलीला का ध्यान करेगा कोरे से कोरे जीव तो ब्रजलीला में जाएगा। जो योग साधना ही करता रहेगा तो उसको सातवीं भैंस मिलेगी। जो तारतम लेकर चितवनी नहीं करेगा केवल सेवा पूजा करेगा, कोरा से कोरा जीव रहेगा, उसको सातवीं भैंस मिलेगी। से सारी दुनिया जो अच्छे बुरे जितने हैं सभी आठवीं भैंस में खंड हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने जैसे अभी आपने कहा कि शुरू के चार भैंसों का क्या होगा, तो पहले वो अखंड हो गए लेकिन अभी भी उनका द्वार खुला हुआ है। जो रास का ध्यान करेंगे उनको रास में ही जाना पड़ेगा। इसलिए पानी में हर जगह ये भी लिखा है, सुरता एक राठिये मोर पाऊं। यदि हम ब्रज की लीला में लगाव रखते हैं, रास की लीला में लगाव रखते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा लगाव हमें मन मिलावे में रखना पड़ेगा और ये भाव रखना पड़ेगा कि हम परम धाम से आए। यदि हम परम धाम
के प्रति भाव रखते हैं और मूल मिलाव में ध्यान करते हैं, तो उसके बाद यदि हम ब्रज की लीला को गाते हैं, रास की लीला को गाते हैं, तो कोई दोष नहीं। लेकिन पर मूल मिलाव को बिल्कुल भुला दें, जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि को तो परमधाम जाना ही है, उसको तो कोई राज्य भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकते हैं। हाँ, उसकी हंसी होगी, लेकिन जो कोरा से कोरा जीव है, यदि चित्त में नहीं करता है, मूल मिलावे की चित्त में नहीं करता है, तो संसर्ग की पहली भैंस नहीं पहुंचे। चित्त में नहीं करके केवल रास का ध्यान करेगा तो चौथी भैंस पाएगा। और यदि मुस्लिम है, वाणी पढ़कर भी केवल मोहम्मद साहब को मानेगा, प्राण राज जी को नहीं मानेगा, तो तीसरी भैंस को पा सकता है। जब दिन रात सुखियाना तरीके से भक्ति करता है, वाणी पढ़कर भी प्राण राज जी पर ईमान नहीं रहता, तो अपने उसके अनुसार पाएगा। लेकिन जो वाणी का चिंतन करेगा, वो इसकी राह अपनाएगा, तो चिंतन ही करके वो भी सत्संग की पहले भैंस का अधिकारी बन सकते हैं। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो मुंह में लावे की चित्त में करेगा, प्रेम में डूबेगा, अधिकारों को दूर करेगा, सचमुच की भैंस पूछेगा नहीं करेगा, शरीयत बताता रहेगा कि हमें चितवनी नहीं करनी है, हमें तो सेवा पूजा ही करनी है। यदि उसके अंदर ब्रह्म सृष्टि का स्त्री सृष्टि का अंकुर नहीं है, तो उसको सातवीं भाव से ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए करनी मांग भाव कृपा कृपा मांग करते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। ये व्रत को प्रकटवाणी में कहा है और क्यामर थामा में भी कहा है, संबंध में भी कहा है, जब आई सब करें तो कोई किसी के संबंध से इन बातों को कहते समझना।